पेमेंट नहीं किया, करोड़ों में से लाखों निकल जाए फर्क नहीं पड़ता,
स्टेशन के बाहर खड़ा था, बार बार उन 250 रुपए को हिला हिला कर देख रहा। आखिरी नोट आज के अमीरों के बच्चे नहीं जानते, आखिरी नोट जिसका कॉलेज में पेपर हो और बस के लिए घर से 10 रुपए मिले हो और वो 10 रुपए गिर जाएं, वो समझ पाता है उस 10 रुपए की वैल्यू क्या होती है। जब कहीं भीड़ में खड़े हैं और 1 रुपए का फोटो स्टेट करवाना है, 500 का जेब च नोट हैगा, फोटो स्टेट वाला कहना ले जाए इनू खुले चाहिए 1 रुपया, ता जाके पता लगता 1 रुपए की वैल्यू की। वो 250 रुपए लेके बार बार उसको छेड़ रहा था, मन में आया टैक्सी करके पिताजी के पास चला जाऊं। टैक्सी वाले से पूछा कितने पैसे लेगा, बोला 250 रुपए। और वहीं से खाटू श्याम जी की रिंगस की ट्रेन पूछी तो टिकट उसकी भी 250 रुपए। पिताजी को फोन कर दिया, बोला पापा मैं 2 दिन के लिए खाटू जा रहा हूं। पापा बोले तेरे पास पैसे तो है ना, जैसे मां को बताने की जरूरत नहीं होती ना हम भूखे की भूख नहीं लगी, ऐसे ही पिता को बताने की जरूरत नहीं होती हमारी जेब में कितने पैसे। भगवान के आगे ये मत रोया करो कि इतने हो गए इतने कर दे या इतने हैं तो भी तंग हो, जरूरी नहीं है आप मोटरसाइकिल पे घूमते हो तो आप गरीब हो। अरे लाइटों पे खड़ी हुई बगल वाली मर्सिडीज वाला 4 गोली खा के सोते हैं और आप बगैर गोली के सोते हो, साहब आपसे बड़ा अमीर कौन है, आपसे बड़ा अमीर कौन है। लेकिन पिताजी को कैसे कह देता, पिताजी मैं हार गया, यहाँ पंडाल में बैठा एक भी भक्त ये बात बता दे मुझे कि कोई भी आदमी पैसा कमाता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है तो पैसा कमाने के लिए नहीं करता, इज्जत कमाने के लिए मेहनत करता है साहब, यहाँ कोई पैसे के लिए काम नहीं करता। किसान के पास 200 करोड़ रुपए की जमीनें हैं लेकिन वो चाहता है कि मैं किसानी कर पैसा कमाऊं, क्यों? क्योंकि बाप दादाओं की जमीन है, पगड़ी है, इज्जत है, सम्मान है। कैसे कह देता पिताजी मैं हार गया, टिकट ले ली 250 रुपए की, बाकी तो पैसे बचे ही नहीं। बोला पापा मेरे पास बहुत पैसे, चिंता मत। रिंगस पहुंच गया, सारी रात भूखा प्यासा रहा। रिंगस पहुंचते ही जीप वाले आवाज लगा रहे थे खाटू खाटू खाटू, बैठ जाओ खाटू श्याम जी। जैसे ही बैठा उसको लगा ऐसे ले जाते होंगे जब इतनी आवाज मार रहे हैं, पैसे नहीं लेते हूँ, 17 किलोमीटर कहाँ पैदल चलो जाते। बैठते ही जीप वाले ने 100 रुपए मांगे, जमीर जिंदा था, बाबा का विश्वास जिंदा था, वापस उतर गया। जीप वाला बोला क्या हुआ भाई साहब, बोला कुछ नहीं, वक्त आएगा, आज जीप में नहीं हम अपनी गाड़ी लेकर बाबा के दरबार में आएंगे, वक्त आएगा। Thank you.
लेकर जाएगा भाई, कोई आएगा जरूरतमंद। Thank you.
मांगूंगा वो मांगूंगा। मंदिर के अंदर याद रहता है क्या बाबे के सामने अपनी दिया Thank you.
है भगवान की, कोई कहता हो नहीं है, उसकी मूर्खता है। आप 100 कदम चलना, मेहनत से चल पाओगे, लेकिन जब उसकी कृपा होगी 100 चलोगे, बाकी 900 कैसे चलोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं ना जानू पूजार चल, इतना मैंने जान लिया। वो अपना तन नहीं ढकेगी उससे, पूरा खानदान ढक देगी कि देखो मेरा बेटा मेरे लिए साड़ी ले। माँ बाप के लिए दोनों हाथ उठाना, ताली बजाना माँ बाप। भूलो सभी को, माँ बाप को भूलो नहीं। मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा।
काम करवाना होगा आपको, और जब से